different topics, one channel, ANY Plus TV. Like and subscribe for upcoming videos. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, खालिद फियाज ANY प्लस टीवी के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो है कि हमें 1000 जो व्यूज़ मिलते हैं यूट्यूब पर या हमें जो वीडियो का व्यू मिलता है उस पर हमें कितने पैसे या कितने डॉलर अर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पता चलूँ कि एक्चुअली यूट्यूब हमें तीन तरीक़ों से पे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे वीडियोज़ पर जो व्यूज़ चलते हैं, जो नॉर्मल व्यूज़ मिलते हैं हमारी वीडियोज़ पर, उसके हिसाब से हमें पेमेंट होती है। सेकेंड ये कि जो हमारे मोनेटाइज होने के बाद जब वीडियो पे ऐड चलते हैं और उस ऐड पर कोई क्लिक करता है तो उसकी हमें अलग पेमेंट होती है। और थर्ड तरीका ये है कि जो हम वीडियोस में अपने टाइटल में कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं उसकी अलग पेमेंट होती है। तो उसके बारे में, इसके अलावा मैं आपको एक और बात पता चलूँ कि मैं इसमें एक वेबसाइट को डिस्कस करने लगा हूँ। वो वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है और मुझे वैसे ही सर्चिंग करते के दौरान मिली, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो आप उस साइट को देखें और उसमें जाकर आप चेक करें कि आप अपने चैनल पर कितनी एस्टिमेटेड अर्निंग जो है वो कर सकते हैं और आपका चैनल किस स्टेज पर है इस वक्त। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश करें कि इस वीडियो से आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो पहले समझते हैं कि YouTube हमें कैसे पेमेंट करता है, किन रूल्स पर पेमेंट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका पहला पॉइंट समझना पड़ेगा कि अगर YouTube को $100 एडवर्टाइज़र की वजह से इनकम होती है तो वो उसका हमें 68% जो है वो हमारे एडसेंस अकाउंट में डालता है। यानी कि YouTube को अगर $100 मिले तो $68 वो हमें देगा। तो सेकंड पॉइंट इसका यह है कि एक्चुअल रेट जो एडवर्टाइज़र से एक्चुअली वेरी करते हैं, जो कि 10 सेंट से 30 सेंट्स पर व्यू होते हैं, लेकिन एवरेज में ये 18 सेंट पर व्यू बन जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई भी यूट्यूब चैनल एवरेज के हिसाब से $18 पर 1000 व्यूज़ जो है वो इनकम जनरेट करता है, जो कि रिज़ल्ट करता है $3 to $5 पर 1000 वीडियो व्यूज़ के। लेकिन ये मैं बात आपको बताता चलूं कि ये विदाउट कीवर्ड्स की इनकम है जो एक नॉर्मल व्यूज़ पे आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि आपका चैनल कितना अर्न कर रहा है और आप कैसे इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि अब मैं आपको कुछ अहम चीज़ बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की एक वेबसाइट आएगी। बहुत ज़बरदस्त ये वेबसाइट है जिसके बारे में हर यूट्यूबर को मालूम होना ज़रूरी है। ये वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको वेरी स्टार्ट मैंने आपको दी थी। लेकिन मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, यहाँ पर अगर एक स्लाइडर, दो स्लाइडर बार हैं कि अगर आपकी डेली व्यू आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर डेली व्यू तकरीबन, अगर आप इसको सपोज़ आप इसको 1000 डेली व्यू पर आप लेकर आते हैं और आपका जो एवरेज एंगेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्या आपका एवरेज एंगेजमेंट रेट जो है वो हाई होना चाहिए। ये देखें, अगर आप एवरेज जो है एंगेजमेंट रेट को आप 8% कर देते हैं तो आपका मंथली एंट्रिंग जो है वो $8 to $14 हो जाएगी, जो कि ईयरली $103 to $171 है, जो कि सिर्फ 8% ऑफ एंगेजमेंट है। यानी कि व्यूअर आपकी वीडियो 100% में से सिर्फ 8% देख के आपकी वीडियो को अगर वो बंद कर देता है तो फिर आपका एस्टिमेटेड मंथली इनकम ये आएगी और डेली आपकी इनकम ये आएगी। लेकिन अगर आप, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर देखें, आप जितनी भी वीडियो बनाएं, ताकि बेशक 4 मिनट की बनाएं या 10 मिनट्स की बनाएं, तो उसमें आप ऐसी वीडियो बनाएं कि आप व्यूअर को कैप्चर कर सकें फॉर द रेस्ट ऑफ योर वीडियो। पूरी वीडियो देखने पर वो आपका व्यूअर जो है वो मजबूर हो जाए, तो इस सूरत में अगर फिर भी वो आपका 50% एंगेज रहता है आपकी वीडियो के साथ, तो आप देखें आपकी इनकम जो है वो $1.92 से $3.21 डेली हो जाएगी और मंथली $58 to $96 हो जाएगी, जो कि प्रोजेक्टेड ईयरली $702 है। तो आप देखें कि आपके व्यूज़ भी, अगर आप इसको मज़ीद आप सपोज इसको 349 व्यूज़ पर डे पर ले आते हैं तो आपकी जो मंथली इनकम हो जाएगी वो 19 हो जाएगी। लेकिन
आपका अगर इंगेजमेंट रेट जो है वो तकरीबन अगर आपका 90% तक आप अचीव कर सकते हैं तो आप देखें हैरत अंगेज तौर पर आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आप ऐसी वीडियो बनाएं कि बेशक आपके व्यूज़ कम हो लेकिन व्यूअर आपकी वीडियो में इस हद तक इंगेज हो जाए कि वो आपकी वीडियो तकरीबन 80-90% ज़रूर देखे। ऐसा ना, ऐसी वीडियो मत बनाएं कि वो सिर्फ 9% या 10% ही आपकी वीडियो देखे उसके बाद वो वीडियो आपकी बंद कर दें। तो इसीलिए हमारे जो होते हैं इनकम वो कम आती है कि व्यूअर जो है हमारी वीडियो के साथ एंगेज नहीं रहते। इस वेबसाइट को अगर आप मज़ीद चेक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि अपने चैनल का आप लिंक डाल दें या अपने चैनल का आप नेम डाल दें तो उसको चेक करें तो आपके चैनल के सारे एनालिटिक्स आपके सामने आ जाएंगे कि आपकी चैनल मंथली तौर पर कितने कमा सकता है करंट सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, मज़ीद आप नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये YouTube मनी कैलकुलेटर भी इसमें दिया हुआ है, एस्टिमेटेड टोटल अर्निंग बाय चैनल। इसमें आप अपने चैनल का लिंक डालें तो आपके वो सब्सक्राइबर भी बताएगा और व्यूज़ भी बताएगा, टोटल अर्निंग बताएगा, एवरेज अर्निंग पर वीडियो भी आपको देगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने किसी भी एक वीडियो का, एस्टिमेटेड वीडियो का आपने अर्निंग निकालनी है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। इस साइट को आप, ये 8 मिनट्स की रीडिंग साइट, इसमें बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैंने इस वीडियो में स्किप किए हैं, लेकिन जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त साइट है ये और हर यूट्यूबर को ये साइट देखनी चाहिए। इसलिए मैंने ये साइट शेयर की है कि मुझे भी इस साइट से बहुत हेल्प मिली है और बहुत से मेरे एम्बिग्यूटीज़ जो हैं वो इस साइट से क्लियर हुए हैं। तो आप इस साइट को विज़िट करें और अपनी अर्निंग्स बढ़ाएं, बढ़ाने का तरीका देखें, आप सोचें कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक और शेयर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए खालिद फ़ियाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।